वेलकम बैक टू जीसन क्लासेस एंड हम क्लास 11 का चैप्टर प्लांट किंगडम आज करेंगे स्टार्ट। आई होप आपने पहले के चैप्टर्स को देख लिया होगा। तो प्लांट किंगडम स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी पीछे वाली चीजों को रिकॉल करना होगा। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने करा था तो वहां हमने ये डिसाइड किया था, मतलब एक साइंटिस्टों ने ये डिसाइड किया था कि आरएच विटेकर का जो फाइव किंगडम सिस्टम है हमने वो लेके आगे चलना है। ठीक है, वैसे तो आगे अभी डोमेन सिस्टम वगैरह भी आ गया है बट हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करके चलना है। तो आर एच विटेकर ने कुछ सेलियंट फीचर्स लिए थे जिसमें से मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, सेल वॉल था, सेल टाइप था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस थी, उन सब के बेसिस पे उन्होंने डिसाइड किया था कि वो फाइव किंगडम्स बनाएंगे। और उन फाइव किंगडम में उन्होंने क्या लिया था, आपका मोनेरा था जिसको आपने डिस्कस कर लिया, देख लिया, प्रोटिस्टा था हमने इसे भी देख लिया है, एंड उसके बाद फंजाई था हम लोगों ने इसको भी पढ़ लिया है, एंड देन उनका एनिमिलिया एंड प्लांटे था। तो प्लांटे एंड एनिमिलिया को हमें अब देखना है। तो हमारे बुक्स में जो सिलेबस है 11th का उसके हिसाब से उन्होंने प्लांटे और एनिमिलिया को दो सेपरेट चैप्टर्स बना के रखे हैं क्योंकि ये काफी वास्ट है इस वजह से। तो प्लांटे किंगडम की अगर हम बात करेंगे तो किंगडम प्लांट को या प्लांटे किंगडम को इनको इन्होंने डिवाइड किया फर्दर फाइलम्स में। तो इसमें कौन कौन से फाइलम्स होते हैं, एक आपका होता है हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक, तो ये फाइलम्स में प्लांट किंगडम को आप डिवाइड कर सकते हो। ये फाइलम्स हैं प्लांट किंगडम में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स। जिसमें से सबसे सिंपलेस्ट क्या होगा, थैलोफाइटा, फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, और एंजियोस्पर्म्स तक कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा होती है। और एंजियोस्पर्म्स आपके जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यह आपको मे भी पता हो। ये क्या होते हैं, आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और इनके ऊपर जितने भी हैं ये फ्लावरिंग नहीं होते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स का एक बड़ा सी सेलियंट और डिफरेंट फीचर ये है कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनमें फ्लावर देखने को मिलता है, जबकि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स के केस में फ्लावर देखने को नहीं मिलता है। उसी के बाद एक फीचर होता है सीड। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इन दोनों में सीड का फॉर्मेशन होता है, सीड प्रेजेंट होती है, जबकि ऊपर ये जो तीन है इनमें सीड प्रेजेंट नहीं होती है, इनमें सीड एब्सेंट होती है। ठीक, फिर उसके बाद आप देख रहे हो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ रही है कि नीचे से अगर आप ऊपर स्टार्ट करें तो ये फ्लावर करता है लेकिन ये फ्लावर नहीं करता, जबकि ये दोनों में सीड का फॉर्मेशन है, ये फ्लावरिंग नहीं करते हैं प्लस सीड का फॉर्मेशन भी नहीं है। उसके बाद हम और कॉम्प्लेक्सिटी पे जाएंगे, वस्कुलर बंडल्स या वस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो वस्कुलर सिस्टम्स हैं वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। एंड थोड़े बहुत वस्कुलर सिस्टम्स के इनके कुछ मेंबर्स में स्टार्ट होता है और यहाँ से वस्कुलर सिस्टम्स स्टार्ट होते हैं, मतलब आपका जाइलम एंड फ्लोएम का फॉर्मेशन वगैरह होता है। तो होता क्या है, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, थैलोफाइटा सबसे सिंपलेस्ट होते हैं, उसके बाद थोड़े से कॉम्प्लेक्स आपके ब्रायोफाइटा होते हैं, देन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में। तो किंगडम प्लांटे को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सीड इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, ये आपने फाइलम देखे हैं। उसी के बाद आप किंगडम प्लांट को क्या कर सकते हो, दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है आपका क्रिप्टोगेमी, एक आपका होता है फैनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी आपके विदाउट सीड्स वाले जो होते हैं वो होते हैं आपके क्रिप्टोगेमी, एंड फैनेरोगेमी आपके क्या होते हैं, सीड प्रोड्यूसिंग वाले जो होते हैं वो आपके होते हैं।
पैनरोगेमी में। और कौन कौन से होते हैं ये अभी जस्ट आपने देखा कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सीड इनमें नहीं पाए जाती, तो ये आपके क्रिप्टोगेमी के केस में आ जाएंगे। जबकि जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स सीड को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये सीड प्रोड्यूसिंग में, दैट इज फेनेरोगेमी में आ जाएंगे। फिर किंगडम प्लांटिंग को आपने पीछे देखा ही था कि टाइम टाइम पे अलग अलग साइंटिस्टों ने उसको अलग अलग तरह से डिवाइड करने की कोशिश की थी। एरिस्टोटल का ये अटेम्प्ट था कि हाइट के बेसिस पे उन्हें ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स बना दिए थे, फ्लावर करते हैं या नहीं करते हैं उसके बेसिस पे उन्हें फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग कर दिया था। एंड वो सारे सिस्टम बहुत प्रिमिटिव है, उनको नहीं यूज किया जाता है। प्लांट किंगडम जब पढ़ेंगे, क्योंकि होता क्या है कि ये दो तीन किंग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये थोड़े सिंपल से तो इनको इजी तरीके से पढ़ लिया गया, बट प्लांटिंग एनिमिलिया में काफी कॉम्प्लेक्स चीजें आती हैं, तो यहाँ थोड़े से अपनी जो स्टडी होती है, जो टेक्सोनॉमिकल स्टडी होती है, उसे भी थोड़ा एडवांस करना होता है। तो यहाँ पास कुछ चीजें हैं, उन्हें आप थोड़ा समझ लो, उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने प्रियोर वीडियोज में या प्रियोर लेक्चर्स में किया था कि हर एक ग्रुप का फीचर लिखते थे और उन फीचर्स को समझ के हमें समझना होता था कि पर्टिकुलरली इनका क्या क्या सेलियंट फीचर्स है, वाई दे आर डिफरेंट और वाई दे आर इन अ डिफरेंट फाइलम, हम देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहला एक टर्म आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड ये चीज पहले भी मैंने बताई है, बट स्टिल मैं रिपीट कर दे रही हूँ, ये है आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जहां पे हम फाइलोजेनेटिक, मतलब कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है। एंड यस, प्लांट किंगडम को जो फर्दर फाइलम्स में क्लासिफाई किया गया है, और जो भी क्लास ऑर्डर आप पढ़ोगे, फैमिलीज पढ़ोगे, आप देखोगे कि उनमें जो मेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज किया गया था वो है फाइलोजेनेटिक। इसमें क्या किया गया, उन्होंने जो वेरियस ग्रुप्स हैं, जो फाइलम्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके जो इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने उनके जो भी एंसेस्टर्स थे और जो प्रेजेंट हैं उनके बीच का रिलेशन डिस्कस किया, और उसी के बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई किया। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को यूज किया गया प्लांट को फर्दर क्लासिफाई करने के लिए। एक आपका आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होती है? आपके जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है, इस टैक्सोनॉमी में, क्योंकि अब जब प्लांट्स में आप जा रहे हो तो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है ना, आप इस यहाँ से आप उधर बढ़ रहे हो तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पास कंप्यूटर कोडिंग यूज की जाती है, सर्टेन कंप्यूटर कोड्स असाइन किए जाते हैं टू सर्टेन टाइप्स ऑफ कैरेक्टर। सर्टेन कोड्स आर असाइन टू सर्टेन कैरेक्टर्स, और फिर क्या करते हैं, उन कैरेक्टर्स को एनालाइज किया जाता है और ऑर्गेनिजम्स को या जो भी किंगडम वगैरह है उसे फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। एक आपका आता है कीमो टैक्सोनॉमी। अगर हम कीमो टैक्सोनॉमी की बात करें तो इसमें जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल के बेसिस पे फर्दर ऑर्गेनिजम्स को या किंगडम को क्लासिफाई किया जाता है। तो ये कुछ टर्म्स थे जिनको क्लियर होना जरूरी था। तो अब हम क्या करते हैं, अपने प्लांट किंगडम पर वापस आते हैं। और हमने अभी देखा कि प्लांट किंगडम को हम कितने पांच फाइलम से हमने डिवाइड किया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो। हम हर एक फाइलम का क्या करेंगे, सेलियंट फीचर लिखेंगे, उनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होंगे, क्लास होगा, ऑर्डर होगा, उन्हें देखेंगे एंड फिर आगे अपना ये वीडियो भी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में हम एल्गी को ही कंसिडर करते हैं, तो सबसे पहले हम एल्गी के ही फीचर्स को पढ़ेंगे। एल्गी को आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे जब वॉल्स पे सीलन आ जाती है,
रेनी सीजन के टाइम पे, तो जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर आपके वॉल पे छा जाता है वो कुछ और नहीं बल्कि एल्गी ही है। तो एल्गी वैसे तो आपका ज्यादातर एक्वेटिक ही होता है, बट कुछ एल्गी हैं जो मॉइस्ट प्लेसेस पे, मॉइस्ट वॉल, सीलिंग्स, रॉक्स या ट्रीज वगैरह पे भी सर्वाइव करते हैं। तो हमें अब क्या करना है, एल्गी के सेलियंट फीचर्स को स्टडी करना है। ये सेलियंट फीचर्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इन फीचर्स को अच्छे से समझ लो। देखो एल्गी क्या है, थैलोफाइटा में हमने उसको रखा था। ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। थैलस लाइक मतलब क्या होता है कि ऐसी बॉडी जो मतलब प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड ना हो, अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब ये है कि ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, अलग से लीव्स, अलग से स्टेम्स, ये सब क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल ना हो, तो उसे हम बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। और ऐसे अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं थैलस लाइक बॉडी, या थैलस भी बोल सकते हो, या थैलस लाइक बॉडी भी बोल सकते हो। तो आपके जो एल्गी होते हैं ये थैलस लाइक ही होते हैं, और इन ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, प्लस आपके कोलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। कोलोनियल आपको पता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक कोलोनीज फॉर्म करके रखते हैं, जैसे वॉलवॉक्स वगैरह है, तो ये कोलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। इनके हैबिटेट की बात करें तो ये एक्वेटिक होते हैं, बट यस आपके कुछ ऐसे भी हैं जो कि मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी रह सकते हैं, मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में भी सर्वाइव करते हैं। जैसे आप देखते हो जो बारिश वगैरह होती है, तो जहां जहां पानी लग जाता है थोड़ा बहुत, या सीलन जिसे बोलते हैं वो रहता है, तो उस जगह पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ग्रीन कलर का पूरा एक एरिया कवर हो चुका होता है। वो ग्रीन कलर है क्या, वो जो ग्रीन ग्रीन है वो आपकी एल्गी ही है। तो आप देख रहे हो कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, बट मोस्टली वो एक्वेटिक ही होते हैं। वस्कुलर टिश्यूज की बात की जाए तो इनमें वस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्लांट बॉडी है अनडिफरेंशिएटेड है, थैलस लाइक है, ये इनका जो भी वाटर इनको अब्सॉर्ब, क्योंकि प्योरली क्या है, ये एक्वेटिक है। इमेजिन करो ये आपका थैलस है, तो ये क्या है, एक्वाटिक मीडियम है, इसके आसपास वाटर की कमी तो है नहीं, तो ये वाटर इसके अंदर विद द प्रोसेस डिफ्यूजन चला जाता है। डिफ्यूजन की मदद से ये वाटर का इंटेक वगैरह कर लेता है, तो इसे वास्कुलर टिश्यूज वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, और डिफ्यूजन की मदद से ही वो अपना जो भी गैसियस एक्सचेंज वगैरह करना होता है वो सब कर लेता है। अब क्योंकि बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत हैवी नहीं है नहीं, तो उसे बहुत ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपना सबस्ट्रेटम से अपने थैलस का अटैचमेंट कर लेते हैं, तो उनमें मैकेनिकल टिश्यूज भी नहीं पाया जाता। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इनमें तीनों तरह के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, वेजिटेटिव भी, एसेक्सुअल भी एंड सेक्सुअल भी। अगर वेजिटेटिव देखा जाए तो फ्रेगमेंटेशन करते हैं। फ्रेगमेंटेशन मैंने आपको बताया है कि आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, या आपका उनका जो फिलामेंट है वो फिलामेंट टुकड़ों में टूट जाता है और नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। एसेक्सुअल में क्या होता है, ये स्पोर फॉर्मिंग होते हैं। एसेक्सुअल मीडियम में ये क्या करते हैं, मतलब एसेक्सुअल मोड में एल्गी क्या करती है, स्पोर्स बनाती हैं। एंड ज्यादातर वो स्पोर्स कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें जू स्पोर्स की मदद से होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो स्पोर्स हैं वो मोटाइल हैं, तो उनको हम जू स्पोर्स बोलते हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये करते हैं। एंड यस, इनमें जो गैमेट्स है, आपको याद होगा मैंने बताया था कि शेप्स कैसे हैं मॉर्फोलॉजिकली, दोनों गैमेट्स मेल फीमेल गैमेट कैसे हैं, उनके बेसिस पे आप आइसोगेमस, हेटरोगेमस एंड आइसोगेमस में डिवाइड कर सकते थे। तो एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये उनमें आइसोगेमस एंड आइसोगेमस दोनों ही होता है, आइसो एंड एन आइसो दोनों ही होता है। आइसोगेमस का एक एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है। इनके जो गैमेट्स होते हैं वो आइसोगेमस होते हैं। आइसोगेमस का मतलब क्या हुआ, मेल फीमेल गैमेट सिमिलर है मॉर्फोलॉजिकली। एंड आइसोगेमस का एग्जाम्पल है क्लैमिडोमिनास। क्लैमिडोमोनास इसका एग्जाम्पल है। इनके जो रहते हैं गैमेट्स वो कैसे रहते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट रहते हैं। फीमेल बहुत बड़ा रहता है और मेल उसके कंपैरिजन में छोटा रहता है। लाइफ साइकिल की बात की जाए तो हैप्लॉन्टिक, प्योरली हैप्लॉन्टिक हो सकती है। प्योरली हैप्लॉन्टिक का मतलब क्या है कि अगर उनमें जायगोट का फॉर्मेशन हुआ है तो बस वही डिप्लॉयड बनेगा, अदरवाइज पूरा का पूरा क्या है, हैप्लॉयड ही था। या डिप्लॉन्टिक भी हो सकती है, या डिप्लो हैप्लॉन्टिक भी हो सकती है। हो सकता है यहाँ पास आप हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, डिप्लो हैप्लॉन्टिक को लेकर कंफ्यूज हो गया हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
जब हम ये एलए वाले सेलियंट फीचर्स को कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके जो सर्टेन फाइलम्स हैं उनके कैरेक्टर्स करने के बाद हम इसी चैप्टर में वीडियो पे लाइफ साइकिल्स को भी स्टडी करेंगे। तो वहां पास आपको ये हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड डिप्लोहैप्लॉन्टिक दोनों क्लियर हो जाएगा, तो आप इसको लेके कंफ्यूज मत होना। ठीक, तो ये हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट सेलियंट फीचर्स किंगडम सॉरी क्लास एलगी, फाइलम एलगी के या थैलोफाइटा के। अब हम क्या करेंगे, इस एलगी का भी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये जो एलगी है, ऑन द बेसिस ऑफ द कलर उसमें कौन सा पिगमेंट मौजूद है, उस बेसिस पे भी इसे आप डिवाइड कर सकते हो फर्दर तीन ग्रुप में। अब वो तीन ग्रुप क्या है उसे हमें देखना है और उनके भी फीचर्स हमें पढ़ने। एल्गी को हम फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट तीन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका होता है क्लोरोफाइसी, एक आपका होता है फेओफाइसी एंड एक आपका होता है रोडोफाइसी। फ्योफाइसी आपके ग्रीन कलर की जो एल्गी होती है वो क्लोरोफाइसी में आती है, फ्यूगोफाइसी आपकी ब्राउन कलर की जो एल्गीज होती है वो आती है एंड इस ग्रुप में आपके रेड एल्गी आती है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के अपने सेलियंट फीचर्स जो भी हैं उनको स्टडी कर लेंगे और फिर उसके बाद बस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखना है हमें एल्गी का, तो हमारा जो फाइलम एल्गी या थैलोफाइटा था वो कंप्लीट हो जाएगा, हम दूसरे फाइलम। तो ये हैं आपके ग्रीन एल्गी के कुछ सेलियंट फीचर्स, इन फीचर्स को आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बस उसके बाद आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या है, ये ज्यादातर आपके फ्रेश वाटर ही है, ग्रीन एल्गी आपके फ्रेश वाटर में होते हैं, मैरीन में नहीं होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही इनमें ज्यादातर पाया जाता है। इनमें जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल ए एंड बी होता है, इसी क्लोरोफिल की वजह से इनको ग्रीन कलर मिलता है, दैट्स व्हाई दे आर ग्रीन इन कलर। और जब इनमें फूड को रिजर्व करने की बात आती है तो उस फूड को ये किस फॉर्म में रिजर्व करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में रिजर्व करते हैं और इनकी सेल वॉल भी सेलुलोज से ही बनी होती है एंड इनमें फ्यूकोजैंथिन, फ्यूकोजैंथिन भी आपका पिगमेंट ही है, ये एब्सेंट होता है, ये इनमें नहीं होता है एंड ये एसेक्सुअल मीडियम से अपना रिप्रोडक्शन कराते हैं, करा सकते हैं और इनमें जू स्पोर्ट्स पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है क्लैमिडोमोनास, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरो गायरा। तो ये ग्रीन एल्गी के कुछ सेलियंट फीचर्स हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लेके इन्हें अच्छे से लर्न कर लो, फिर हम लोग रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी का भी देखेंगे। तो आपके ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के भी मैंने फीचर दे दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इनमें देखो ये मैरीन होते हैं और रेड एल्गी भी मैरीन होता है जबकि वो फ्रेश वाटर था ग्रीन एल्गी। इनमें यूनिसेलुलर पाए ही नहीं जाते, मतलब ब्राउन एल्गी में यूनिसेलुलर एब्सेंट होता है जबकि फ्रेश में क्या था, यूनिसेलुलर पाए जाते हैं एंड रेड एल्गी में भी कुछ थोड़े बहुत ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिसेलुलर है। क्लोरोफिल जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है इन टर्म्स ऑफ एल्गी क्लासिफिकेशन, इनमें ए एंड सी का पाया जाता है जबकि इनमें ए एंड डी एंड ग्रीन वाले में आपने ए एंड डी लिखा था। यहाँ पास फूड स्टोर होता है लैमिनेरियन फॉर्म में एंड इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च के में स्टोर होता है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और एल्गिन से बनी होती है और इनकी सेल वॉल सेलुलोज एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर से बनी होती है जबकि ग्रीन एल्गी की प्योर सेलुलोजिक थी। इनमें फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है, इनमें फ्यूकोजैंथिन तो नहीं पाया जाता है बट उसके जगह फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है। ये सब क्या है आपके वेरियस टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स हैं, तो उन पिगमेंट्स के प्रेजेंस के बेसिस पे ही आपने एल्गी को क्लासिफाई किया था। जूस्पोर्स इनमें पाया जाता है और इनमें जूस्पोर्स नहीं पाया जाता है, इन दोनों के मैंने एक एग्जांपल लिख दिए, सार्गियाजम एंड पॉलीसिफोनिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लर्न करने की, वही टेक्निक आपको यहाँ भी फॉलो करनी है क्योंकि फीचर्स बहुत सारे रहते हैं तो उनको आप समझ के फौरन से लर्न करने की हैबिट डालो। तो आज का हम अपना लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं, आपको क्या करना है, बस वीडियो देखना है, लाइक करना है एंड इसे अच्छे से तैयार करना है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।